नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएस नाउ। दोस्तों, आंगनबाड़ियों के लिए अच्छी खबर है कि अब सभी आंगनबाड़ियों को स्मार्टफोन देगी सरकार। तो दोस्तों, क्या पूरी खबर जानेंगे वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस खबर पर पूरी तरीके से बने रहिएगा। खबर अच्छी लगेगी तो अपने आंगनबाड़ी साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, क्या खबर आई, खबर पर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मुट्ठी में होगा आंगनबाड़ी की हर योजना का डाटा, और क्योंकि सरकार अब आंगनबाड़ियों को स्मार्टफोन देने जा रही है। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब सरकार टेक्नोलॉजी से लैस करने वाली है। उत्तर प्रदेश में काम कर रही सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को योगी सरकार स्मार्टफोन देगी। इसके साथ ही सरकार स्मार्टफोन के बेहतर उपयोग के लिए प्रशिक्षण भी देगी। इस बाबत सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में काम कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन देने का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। योगी सरकार ने अफसरों को आंगनबाड़ियों को स्मार्टफोन देने का निर्देश जारी करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को स्मार्टफोन देने से इनके कार्यक्रमों में पारदर्शिता के साथ साथ समय भी कम लगेगा। इसके साथ ही सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मुट्ठी में अब आंगनबाड़ी की हर योजना का डाटा भी रहेगा, जिसके प्रयोग से वह कभी भी अपने कार्य को पूरा कर सकती हैं। सरकार का मानना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के हाथ में स्मार्टफोन जाने से भ्रष्टाचार की जो गुंजाइश है वो एकदम से कम हो जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 1.89 लाख आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत हैं और हर केंद्र पर औसतन 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ तैनात हैं। इस तरह से लगभग पूरे प्रदेश में 4 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां कार्य कर रही हैं। सरकार का मानना है कि अगर सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हाथ में स्मार्टफोन चले जाने से बच्चों के पुष्टाहार और देखभाल सहित आंगनबाड़ी के संचालित होने वाली सभी योजनाओं को और अधिक प्रभावित रूप से लागू किया जा सकेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी खबर। न्यूज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एनएस नाउ पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तब तक के लिए चलते मिलते हैं अगली न्यूज अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय।